आप देख सकते हैं सारी चिप्स हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही आसान तरीका है और मजे की भी बहुत है। आप जरूर ट्राई करें मेरे तरीके से, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही टेस्टी है, ये बहुत ही कम ऑयल में कम चीजों से मैंने बनाई है। एक किलो मैंने आलू लिए ने, आलूओं को मैंने शैम्पू से अच्छी तरह वॉश की है। आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह वॉश की है, 3-4 बार पानी में शैम्पू लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके हमने छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारने आलूओं के, इसे इसी तरह काट लेना है लंबे पीसों में। आलूओं को ना लंबे पीसों में काट लेना है। आप देख सकते हैं हाथ के साथ जल्दी कट जाते हैं। आलू को इसी तरह काटना है लंबे पीसों में। सारे आलूओं को इसी तरह काट लेना है। आप देख सकते हैं सारे आलूओं को मैंने काट लिया है, जैसे मैंने लंबे लंबे पीसों में काटा है। अब इसे वॉश नहीं करना, ऐसे ही इसे रखना है। आधी प्याली मैंने मैदा लिया है, मैदे को ऊपर लगा लेते हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छी चिप्स बनेगी। यह सीक्रेट तरीका है, यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो को लाजमी पूरा देखें। आप देख सकते हैं मैदे को मैंने मिक्स कर लिया, ऐसे ही डालते जाना, मिक्स करते जाना है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह इसे तैयार कर लेना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। एक चिप्स डाल के इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ऐसे ही चिप्स डाल लेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं, बाद में इसे मिक्स करेंगे, इसे उलटाएंगे। ऐसे ही चम्मच चलाना है इसे। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से एक बार बनाएं, चेक करें। ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। अब इसे ऐसे ही उलटाते हुए पका लेंगे, दोनों साइडों से ब्राउन कर लेंगे। ये तरीके से आपने कभी नहीं बनाई होगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं। छिलके वाली चिप्स ना ज्यादा टेस्टी रहती है। आप देख सकते हैं चिप्स हमारी ब्राउन हो चुकी है। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। है ना बहुत मजे की, ये कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़े की चिप्स है। इसे छन्नी में डाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाता है। छन्नी में लाजमी चीज़ डाला करो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। इसे प्लेट में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारी चिप्स हमारी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने पहले बिल्कुल भी नहीं डाला था। नमक जितना जरूरत है उतना डालना। एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले के साथ ना बहुत ही मजे की चिप्स बनती है। आप इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और मजे की भी बहुत है। आप जरूर ट्राई करें मेरे तरीके से, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही टेस्टी है।
आप रमजान के दिनों में जल्दी से आलू काट कर ये बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही कम ऑयल में, कम चीजों से मैंने बनाई है, आप दे सकते हैं। इसे केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, ऐसे ही खा सकते हैं। इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।